सर्वे सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। नवरात्रि के इस पावन पर्व में 51 शक्ति पीठों में से एक और सुप्रसिद्ध माता अलोक संकरी के मंदिर के बारे में आज हम आपको कुछ आलोचक बातें बताएंगे। प्रयागराज में स्थित देवी आलोक संकरी के मंदिर में माता निराकार स्वरूप में निवास करती हैं। आपको बता दें कि जिस वक्त भगवान विष्णु के चक्र से सती के शरीर के टुकड़े हुए थे, उनमें से दाहिने हाथ का पंजा इस स्थान पर गिरा था, लेकिन पंजा गिरते ही आलोक हो गया, जिसके बाद इन माता को आलोक शंकरी के नाम से जाना जाता है। और सबसे रहस्यमय बात यह है कि यहाँ माता निराकार स्वरूप में पूजी जाती है, जहाँ माता के स्वरूप की जगह पालने की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे नव दिन देवी माँ के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि में दूर दूर से आए भक्त सबसे पहले संगम में आस्था की डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। उसके बाद देवी माँ के मंदिर में आकर दर्शन पर मन्नत मांगते हैं। साथ ही जिस भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वह देवी माँ के प्रांगण में विशेष पूजा अर्चना कराता है, इसलिए यहाँ पालने की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि मंदिर के पुजारी शिवानंद पुरी ने हमारी टीम से खास बातचीत करते हुए बताया कि पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से हम हैं, नागा सन्यासी हैं और ये अलोप शंकरी हैं। अलोप शंकरी माता जी का इतिहास, भगवान शंकर जी जो है माता पार्वती जी को जब लेके चलने लगे तो जब चलते रहे तो जो है देवतागण सब परेशान रहे। जब हाहाकार मचने लग गया तो जो है माता पार्वती जी का जहाँ शरीर जब लेके चलने लगे, हाहाकार मचने लगे तो सब देवता जो है भगवान विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु भगवान जी ने बोले कोई नहीं, अपने हिसाब से उन्होंने जो मतलब होता है वो चलते रहे। तो विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते रहे, जहाँ जहाँ जो जो शरीर उनका अंग कटता रहा, अंग जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बनी। 51 जगह पर जो है माता जी का जो है शरीर का अंग गिरा है, उस जगह पर 51 शक्तिपीठ बने। उसमें से माता पार्वती जी का यहाँ पर जो है दाया हाथ का पंजा गिरा है, तो इसके कारण जैसे मतलब दाया हाथ का पंजा गिरा तो माता पार्वती जी का जो दाया हाथ का पंजा गिरा, शंकर जी पीछे मुड़ के देखे पंजा गिरा, तो जैसे मुड़ करके देखे तो वो अलोप हो गया, तो गायब हो गई। तो गायब हो गई तो उसको अलोप बोलते हैं संस्कृत में। तो अलोप होने के कारण इसका नाम पड़ गया अलोप शंकरी। तो इसको जैसा दक्षिण भारत वाले हैं तो दक्षिण भारत वाले इनको प्रयागे माधवेश्वरी बोलते हैं, माधवेश्वरी के नाम से वो जानते हैं। तो दक्षिण भारत में इसको माधवेश्वरी बोलते हैं, तो उनके इतिहास में जो है ये माधवेश्वरी है। यहाँ माता जी का अंग गिरा, दाएं हाथ का पंजा गिरा, वो गोल हो गया। तो यहाँ मेन पूजा जो है आपका झूला का है, पालना का है। यह मेन पूजा जो है आपका पालना का होता है। यह मूर्ति नहीं है, यह निराकार है, मूर्ति नहीं है, मूर्ति का यहाँ पूजा नहीं है। और मेन जो है जैसा माता जी का जो है लंबा उस पर वस्त्र जो पहनाया जाता है उसको माता जी का स्वरूप माना जाता है। झूला में जो है माता जी का विराजमान रहती है, नीचे कुंड है, कुंड में माता जी का अंग गिरा था। और यहाँ सबसे बड़ा यहाँ का एक चमत्कार है, रात्रि में जो है मंदिर जब बंद हो जाता है, फट बंद हो जाता है, तो माता जी का जो झूला है पालना, वो अपने आप ही धीरे धीरे चलती रहती है, अपने आप स्लो स्लो से पालना अपने आप ही चलता रहता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। दूसरा यहाँ बहुत बड़ा एक चमत्कार है, जैसा किसी को माता जी निकलती है, किसी को कुछ फोड़े फाड़े निकलते हैं, तो यहाँ के पानी ले जा करके पिला देते हैं, उनके शरीर में लगा देते हैं, तो माता जी दूसरे ही दिन ठीक हो जाती है। यहाँ सबसे बड़ा ये चमत्कार है। और यहाँ के जैसा लोकल लोग हैं तो जैसा आप लोग कोई बीमार पड़ जाते हैं, तो जैसे कोई बम्बई में भर्ती है, कोई पुणे में है, तो यहाँ से वो भर्ती होने के बाद ही यहाँ से जल ले करके जाते हैं लोग, उसको बीमार आदमी को पिला देते हैं, तो वो वहाँ कुछ तो डॉक्टर का वो और कुछ माता जी के चमत्कार, उससे जो है वो ठीक भी हुआ है। अभी तक जितने भी हुए हैं सभी ठीक हुए हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा विशेष है कि माता जी का यहाँ का जल ले जाने से, जल लगाते ही माता जी को जिसको निकला रहता है वो माता जी ठीक हो जाती है। माता सती के दाहिने हाथ का पंजा इसी जगह गिरा था, उसके बाद वह पंजा अलोप हो गया, तभी से यहाँ पर देवी माँ की निराकार स्वरूप में पूजा अर्चना की जाती है। माता के प्रतीक में यहाँ पर पालने की पूजा अर्चना की जाती है। दाहिना हाथ का देवी सती का पंजा आलोक हो गया था, इसलिए यह शक्तिपीठ आलोक शंकरी के नाम से प्रसिद्ध है। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।